लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने पर राम की नगरी के सभी संतों महंतों व जनता ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए संतों ने कहा कि 2014 के चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने पर केंद्र में सरकार बनाई थी, पर मोदी ने कहा था कि हमें कम वक्त मिला। इसी को ध्यान में रखते हुए हिंदू जनमानस राष्ट्र के नाम मंदिर के नाम पर दोबारा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया है और संत समाज नरेंद्र मोदी व योगी से राम मंदिर निर्माण को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं कि अब राम मंदिर का निर्माण अति शीघ्र हो जाएगा। चलिए देखते हैं राम की नगरी के संतों महंतों व जनता नरेंद्र मोदी व योगी से क्या अपेक्षा करती है। यदि कोई बनाएगा तो भाजपा सरकार बनाएगी, ये पहले भी कहा जा चुका है और उनके उस 5 वर्ष के कार्यकाल में भी कई बार मांग उठ चुकी है कि राम मंदिर के लिए आप प्रयास करें और राम मंदिर का भव्य रूप प्रदान करें, क्योंकि 26 वर्ष से रामलला ताटपट्टी में पड़े हुए हैं, तमाम कठिनाइयों को झेल रहे हैं। आप भगवान तमाम मंदिरों में जाते हैं और अनुष्ठान पूजा करते हैं और अयोध्या जो जन जन नायक भगवान राम है, जहां आस्था का एक प्रतीक है, तमाम संत और भक्तगण बराबर आके दर्शन करते हैं और यह आशा करते हैं कि निश्चित है कि मोदी सरकार सत्ता में पूर्ण बहुमत से अब आ गई है दोबारा, और जिस प्रकार विश्वास किया है हमारी भारत की जनता, उसी प्रकार से एक काम आपके सामने है जो है भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। इसलिए हम अयोध्यावासी और तमाम देशवासी ये आशा करते हैं कि आपके इस कार्य को भी पूर्ण करें, क्योंकि सबके साथ सबका विकास तभी संभव है जब भगवान राम लला का भव्य मंदिर का विकास हो, और जब तक राम मंदिर नहीं बनता तब तक भक्तगण अपने हृदय में तमाम संशय बनाए बैठे रहेंगे। और आशा और पूर्ण विश्वास है कि अब की कार्यकाल में निश्चित है आप राम मंदिर का भव्य मंदिर बनाएंगे। जिस समय आप दोबारा 5 वर्ष के लिए शपथ ग्रहण करें उसी समय आप इसकी घोषणा करें किन किन कार्यों के काज करेंगे और साथ साथ रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे, इसकी आप घोषणा करें, जिससे पूर्णतया हम लोगों को यह आशा जगे और आप जो कहते हैं उसको करते हैं। एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं, तो इसलिए भव्य मंदिर का निर्माण करें और आप दीर्घजीवी बने, साथ साथ देश का विकास करें, पूर्ण शक्ति आपको मिले और इस शक्ति के साथ साथ हमारा देश विकसित हो। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं शुभकामनाएं शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूं, साथ साथ आशा रखता हूं कि आपके माध्यम से भव्य मंदिर का निर्माण होगा। मंदिर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट प्रसिद्ध पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण बोल रहा हूं। आपके चैनल के माध्यम से प्रचंड बहुमत में माननीय मोदी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व और उनका श्रम साधुवाद के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है, इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। और संगठन में जितने भी हमारे यहां के माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सब बधाई के पात्र हैं। अति श्रम किए और श्रम का रिजल्ट सामने प्रदर्शित है, परिलक्षित है, कोई कहने की बात नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम के साथ में इससे आगे कदम बढ़ाकर यदि श्री राम जी का मंदिर के भव्य नव्य निर्माण की दिशा में मार्ग प्रशस्त करें, ये पूरे धर्माचार्यों का, पूरे देश के धर्माचार्यों का, संतों का और राम भक्तों का, पूरे देश के राम भक्तों की यही अपेक्षा है माननीय मोदी जी से, योगी जी से, संगठन के सभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से कि इसका भी मार्ग प्रशस्त करें, जो जन जन की अपेक्षा है श्री राम जी के मंदिर भव्य नव निर्माण की मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। अब इसमें कहीं से कोई कोताही नहीं होना चाहिए, चाहे वो न्यायपालिका के माध्यम से ही हो, उसमें संबल शक्ति दें और जो भी विधा हो उसका प्रतिपादन करते हुए
नव्य भव्य मंदिर का निर्माण श्री राम जी का और श्री कृष्ण जन्मभूमि का, काशी विश्वनाथ जी का, ये सीरियल में होना चाहिए, ऐसी सबकी अपेक्षा है। और इसके साथ ही मैं बहुत बहुत साधुवाद मंगल कामना शुभकामना दे रहा हूँ। जय सियाराम। देखिए, देश की जनता ने मोदी पे विश्वास किया है, योगी पे विश्वास किया है, और उसी का परिणाम है कि सारे विपक्षी दल ध्वस्त हो गए हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान में जो आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई की है, उससे जनता में विश्वास बढ़ा है, और उनके लगातार जितने बयान आए हैं सब देश के हित में आए हैं, देश की सुरक्षा में आए हैं, इसलिए जनता ने उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है। जो विपक्षी दल हैं, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे राहुल गांधी हो, इन लोगों ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जिससे जनता नाराज हो गई है, और उस नाराजगी का जो पुरस्कार है वो जीत के रूप में मिला है। हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी को कोटि कोटि बधाई देंगे कि देश की सुरक्षा ऐसे करते रहें, आतंकवादियों को सफाया करते रहें, और जो देश की करोड़ों जनता की इच्छा है, संतों की इच्छा है, राम मंदिर पर भी जल्दी से जल्दी वो कोई निर्णय लें जिससे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने और सबकी जो इच्छा है वो पूर्ण हो, ऐसी शुभकामना मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं कि अब जब गद्दी पे बैठ रहे हैं तो राम मंदिर पे भी एक ठोस निर्णय लें। मैं दिलीप दास त्यागी अयोध्या भगवान रामलला के पावन जन्मभूमि से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। प्रचंड बहुमत उनको प्राप्त हुआ और जितना बधाई के पात्र माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उतनी ही बधाई हम देश की जनता को देते हैं, लोकतंत्र को देते हैं, जिन लोगों ने एक निष्पक्ष और स्थिर सरकार के लिए प्रचंड बहुमत दिया। इसलिए प्रधानमंत्री से अधिक देश की जनता भी धन्यवाद का पात्र है। और इसमें बहुत अधिक परिश्रम, बहुत अधिक श्रेय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी आता है, वो भी बधाई के पात्र है। सबको बधाई के साथ साथ ये अपेक्षा भी मैं सरकार से अपेक्षा करता हूँ। राम मंदिर तो प्रथम दृष्टया 2014 में देश की जनता ने इनसे उम्मीद किया था, लेकिन 2019 में जनता ने इन पर विश्वास किया है, और ये जनता के विश्वास पर कितने खरे उतर पाते हैं ये बड़ी चुनौती होगी 5 साल, क्योंकि देश की जनता ने अब की बार जो इतना प्रचंड बहुमत दिया ये मान कर दिया कि 5 साल हमारे लिए कम पड़ गया और अगले 5 साल स्थिर सरकार ने इसलिए प्रचंड बहुमत दिया। उन 5 साल में हम संतों की अपनी जो अपेक्षा, हमारा जो विश्वास है वो तो प्रथम दृष्टया भगवान राम का मंदिर है। मैं चाहूंगा देश की जनता ने लोकतंत्र के इस महाअभियान में जो प्रचंड बहुमत दिया है तो देश की लोकसभा से राम के लिए भी आदेश आना चाहिए। इस अपेक्षा के साथ मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जनता ने विश्वास किया है और प्रधानमंत्री जी विश्वास को पूरा करके दिखाए। जय श्री राम।